सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल भूपेंद्र नीट। तो जैसा कि मैं आप यार मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मतलब कि मैं भैया टेंथ में पास कर लिया और अब आगे क्या करें, मुझे डॉक्टर बनना है और आगे कैसे कैसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए। अरे सब बच्चे के लिए दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। यार अब 11th तो हमने 10th तो हमने पास कर ली, अब CBSE कोई सी भी स्टेट बोर्ड से CBSE बोर्ड से करनी है और बेस्ट तैयारी का जो मतलब प्रिपरेशन पे जो बेस्ट जो दिन माने जाते हैं जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो मान जाते हैं 11th क्लास। 11th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट बिकॉज ये जो 11th क्लास ये ऐसी क्लास है जिससे कि हमें बच्चा जहाँ से पैर रखता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करते वक्त क्या आता है सिलेबस क्या होता है 11th प्लस 12th। जो 11th अच्छे से पढ़ लेगा और 12th अच्छे से पढ़ लेगा उसे बहुत आसानी के साथ वो अपनी मंजिल को पा सकता है, नीट का एग्जाम पास कर लेगा। मतलब जो बच्चा सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास ऐसी क्लास है जो आपको स्टार्टिंग प्लस बेस देती है बढ़िया, इसके ही साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि नीट की प्रिपरेशन 11th क्लास से कैसे करें। तो लेट्स गो गाइस, आपका इस जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जिन्हें 10th क्लास पास करी है, क्योंकि बेस्ट टाइम यही रहता है। इसलिए आपको मेरे मानने से मेरा ओपिनियन ये है कि आपको यकीन बैच कर मतलब कि आपको PW में एक अर्जुना नाम का बैच है, अर्जुना 2.0, वो हाल ही में भी मतलब लॉन्च हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है पर अभी वो चल रहा है। आप अर्जुना 2.0 परचेस कर सकते हैं जिससे आपकी बोर्ड की मतलब जो 11th क्लास है वो उसमें बहुत बेहतरीन स्कोर होगा, प्लस आप नीट का नीट के लिए एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप 11th क्लास बढ़िया कर लीजिए, 11th में नीट इसका इसका PW का ये अर्जुना बैच आप ले लीजिए, उसके साथ ही आप अपने कॉलेज जाते रहिए। आपके दिन में 2 क्लास होंगी जैसे मुझे पता है, 2 मतलब वैसे क्योंकि ड्रॉपर बैच के लिए 3 क्लास होती है तो आपके 11th का बैच है तो आपको 2 क्लास तो मिनिमम होंगी ही, और आपको इसी के साथ बैच की क्लास लेनी है और आपको स्कूल का वर्क भी करना है। आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप बैच परचेस कर लीजिए। इसकी जो अर्जुना बैच है इसमें बेस्ट टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के और बायोलॉजी के विपिन शर्मा सर BC में रहे हैं जो कि यूट्यूब पर काफ़ी फेमस थे पहले और अब PW में ज्वाइन कर चुके हैं। PW ज्वाइन करे हुए इनको काफ़ी टाइम हो चुका है, ये बेस्ट बायोलॉजी टीचर है। इसमें ऐसे बायोलॉजी के मतलब बेस्ट टीचर हैं अर्जुना में और अब ये काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे। और इसकी वैल्यू जो है इसकी जो फीस है बैच की ये खाली 4,200 रुपीज़ है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, अभी काफ़ी अभी टाइम नहीं हुआ, आप इसे परचेस कीजिए। अब मैं कोई नो पेड प्रमोशन है भाई, कोई मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, मैं खाली आपको बता रहा हूँ जैसा कि मुझे जो पता है। ओके, और यार आप छोटे हो मुझसे तो खैर छोटे हो, आप 11th क्लास में आए हो तो आपको यार मोस्ट वेलकम नीट की प्रिपरेशन के लिए। भाई अब दिल और जान से लगा दो क्योंकि ये बेस्ट टाइम है जो तो अपना गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो कर सकते हैं ना वो यही है। ओके, और वैसे भी और आपको जैसे कर किसी के पास पैसे नहीं है, आपको मतलब पैसे मतलब कोई फीस देकर नहीं चाहता हो तो आप YouTube से भी 11th क्लास का पढ़ सकते हैं। YouTube से पढ़ने के लिए आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, बेस्ट टीचर मतलब सारे बेस्ट जितने जो टीचर को बेस्ट माना जाता है ना, जैसे बायोलॉजी का टीचर तरुण सर MD सर, ठीक, नोमेश सर, मतलब बहुत से टीचर हैं जैसे कि हैं रुपेश सर, सिंपथी मैम, मतलब जितने भी ये टीचर हैं उनके साथ आप पढ़ सकते हैं। और ये फिजिक्स के टीचर फिजिक्स के बेस्ट टीचर अलग सर हैं, इनकी पुराने लेक्चर पढ़े आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ MR गुरुजी हैं अपने, और आपको फिजिक्स के टीचर आप चाहें तो आनंद वो मतलब बेस्ट टीचर है सारे, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के समीर दीक्षित सर, सिद्धांत सर, इनके वन शॉट भी आप सब देख सकते हैं। मतलब वन शॉट की आप तो फुल लेंथ लीजिए, मेरा मानना तो है आपको बैच परचेज करेंगे तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है क्या करना है उसकी DB भी कीजिए, उसके साथ ही आपको फायदा रहेगा क्योंकि आप जब बैच के साथ चलेंगे तो आपको पता रहेगा आप कहाँ पढ़ें और आपको सिलेबस आपका सही टाइम पे हो जाएगा पूरा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। आपको 11th में क्योंकि 11th में ही सारे बेस होते हैं क्लियर,
आपकी जब 11th अच्छी हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने की है। आगे जाके आप जो 12th के बाद नीट का एग्जाम देंगे ना, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। आप इसलिए 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए नीट की। आपने सोचा है जब डॉक्टर बनने का तो डरने की क्या बात है, आपको इस टाइम को अभी से लग जाना है। जैसा कि टीचर्स बोलते हैं, जब आपको इस चीज़ सोच सकते हैं तो आप यकीन मानिए उसे आप पा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में कुछ नए के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए ओके बाय।